यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने सरकार के एक दिन के शीतकालीन सत्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है कि सत्र कितने दिन का होगा, लेकिन सीएम ने सभी के अधिकार अपने पास रख लिए। सरकार ने सभी के अधिकार गिरवी रख लिए हैं और सत्र अपनी मर्जी से बुलाया है। वहीं अभय चौटाला ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज का फैसला जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करती है कि सेशन कितने तारीख से बुलाया जाए, और यह अधिकार भी सेशन बुलाने का जो है, जो अधिकार आपके स्पीकर के पास बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बैठ करके डिसाइड करने का कि सेशन कितने दिन चलेगा, उसको कैबिनेट नहीं डिसाइड कर सकता, ना उसको मुख्यमंत्री कर सकता, ना उनका सचिवालय कर सकता। ये तो मतलब मुख्यमंत्री ने सबके अधिकार अपने पास रख लिए। मैं अपने विधायकों के साथ 27 तारीख को मीटिंग करूंगा और पार्टी के सीनियर नेताओं को भी उस दिन बुलाया हमने, उनसे बैठ करके चर्चा करेंगे कि क्या हमें उस कमेटी की मीटिंग में जाना चाहिए जिसमें केवल समोसे परोसे जाएं। सरकार बनते ही शुरुआत हो गई थी, इस सरकार में पहले 18 एमएलए ने इकट्ठे होकर के मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत करी थी। वो भी असंतुष्ट थे, वो भी इसी बात से असंतुष्ट थे कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी।